नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। सो आज हम लोग बातें करेंगे प्रेशर कुकर मटेरियल लेके। तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, हर बारी मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है आप लोग मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। तो देखिए आज हम लोग बातें करेंगे कौन सा मटेरियल का प्रेशर कुकर एक्चुअली लेना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर कुकर मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो वो लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे हर बार हम लोग बोलते हैं आप लोग मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। तो आज हम लोग देखिए हॉकिंस कंपनी का ही तीनों प्रेशर कुकर ऐसे डिस्प्ले इधर रखा है। तो एक है एलुमिनियम की, प्योर एलुमिनियम, ये है प्योर स्टेनलेस स्टील एंड ये है हार्ड एनोडाइज्ड, ठीक है। तो कौन सा कुकर हमें लेना चाहिए, तो कौन सा कुकर हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होता है, ये सब कौन सा इस्तेमाल करने का एंड मेंटेनेंस करने के लिए भी अच्छा है, वो भी हम लोग दिखा देंगे, वो लेके डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंडिया में जब प्रेशर कुकर आया था तब फर्स्ट आया था ये एल्युमिनियम प्रेशर कुकर। तो तब एल्युमिनियम से बनता था क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट का गुड कंडक्टर होता है एंड ये वजन में हल्का भी होता है, तो इसी को हैंडल करना भी काफ़ी इजी है एंड इसका दाम भी काफ़ी कम है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत अवेलेबल मटेरियल है, तो इसीलिए इसका बना हुआ प्रेशर कुकर का दाम भी काफ़ी कम है। तो पर क्या होता है ना, अगर एल्युमिनियम जब पानी में आप लोग जब एल्युमिनियम का कोई बर्तन पे आप लोग पानी देके उसको बॉईल करेंगे ना, तो उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार होती है एंड वो हेल्थ हैजर्डस है। तो हॉकिंस जैसा कंपनी और जो प्रेशर कुकर अभी बनता है इंडियन मार्केट में सब ISI मार्क वाला है, तो उसमें क्वालिटी मटेरियल ही यूज़ करते हैं कंपनी। पर एल्युमिनियम फूड ग्रेड अगर हो भी, जिंदल कंपनी का भी हो शीट, पर उसमें अगर आप लोग खाना बनाएंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम लीच कर जाता है खाने पे, तो वो हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है। पर हॉकिंस जैसा कंपनी एल्युमिनियम कुकर बनाता है क्योंकि वो लोग सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करके ही बनाता है ताकि एल्युमिनियम लीच ना हो खाने पे। तो ठीक है, तो ये एल्युमिनियम हल्का भी होता है, वजन में हल्का होता है, इसका मेंटेन करना भी बहुत ईजी होती है, तो इसीलिए एल्युमिनियम कुकर काफ़ी ज़्यादा चलता है एंड इसका दाम भी काफ़ी कम होता है, सस्ते में आता है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम प्रेशर कुकर लेना पसंद करते हैं। पर जो लोग थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट को लेके सोचते हैं, दे कैन गो फॉर स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम से काफ़ी महंगी वाली है, 2 से 3 गुना महंगे वाली है स्टेनलेस स्टील। तो एंड हॉकिंस जो स्टेनलेस स्टील से कुकर बनाता है, ये देखिए बॉडी एंड लीड 18x8 AISI 304, ये जो 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील है ना, दिस इज द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड कम्प्लीटली फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील। पर स्टेनलेस स्टील कुकर का जो प्रॉब्लम होता है वो है एल्युमिनियम से जो प्रॉब्लम स्टेनलेस स्टील कुकर में होता है, स्टेनलेस स्टील का दाम काफ़ी ज़्यादा है, 2 से 3 गुना दाम ज़्यादा है स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। उसमें क्या होता है ना, ये हीट कंडक्टर एल्युमिनियम से कम है स्टेनलेस स्टील का, तो इसीलिए इसका तले में एक एल्युमिनियम सैंडविच बेस लगा दिया जाता है, तो इसीलिए क्या होता है ना, स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर काफ़ी हैवी होता है, इसका जो वजन हैवी होता है एंड स्टेनलेस स्टील का जो सुविधा है, देखिए दाम काफ़ी ज़्यादा है एल्युमिनियम से, हीट कंडक्टर ज़्यादा नहीं है एल्युमिनियम से, इसीलिए इसके तले पे हीट कंडक्टिंग के लिए एक एल्युमिनियम सैंडविच बेस लगाया जाता है, इसीलिए कुकर हेवी हो जाती है, तो इसको हैंडलिंग काफ़ी जो बुजुर्ग जो है, जो एजेड पर्सन है, उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत बन जाती है। दाम तो काफ़ी ज़्यादा है पर इसका हेल्थ बेनिफिट एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील, अगर ये फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है हॉकिंस का, हॉकिंस तो आप लोगों को पता ही है काफ़ी महंगे वाला कंपनी है एंड बहुत फेमस कंपनी है प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में, तो ये 304 ग्रेड का बना हुआ है स्टेनलेस स्टील एंड ये फूड ग्रेड है एंड इसीलिए इसमें खाना बनाना
काफ़ी सेफ है, इसमें स्टेनलेस स्टील लीच भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए दिस इज द सेफेस्ट प्रेशर कुकर, सेफेस्ट प्रेशर कुकर व्हाट शुड आई से, सेफेस्ट मटेरियल स्टेनलेस स्टील। एंड ये मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है स्टेनलेस स्टील का, एलुमिनियम जैसे मेंटेनेंस होता है, तो मेंटेनेंस लेके भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग मेटेलिक स्पून, लैडल, सब कुछ स्टेनलेस स्टील कुकर में यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज। उसके बाद आता है ये हार्ड एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर। ये हार्ड एनोडाइज्ड क्या होता है, कलर क्यों डिफरेंट है, ये एक्चुअली एल्युमिनियम प्रेशर कुकर ही है, ये हार्ड एनोडाइज्ड, ये एक्चुअली एल्युमिनियम से बना है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा कोटिंग दिया जाता है वो एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड का। तो उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा, ये एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड एक्चुअली जब एल्युमिनियम के ऊपर इसका कोटिंग दिया जाता है तो ये ब्लैक और ग्रेइश ब्लैक बन जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए ये पूरा ग्लॉसी है, ये पूरा ग्लॉसी है, तो ये सालों साल नया जैसा ही दिखते हैं, नया जैसा ही दिखते हैं, तो ये सालों साल नया जैसा ही दिखते हैं, तो ये ग्लॉसी है, इसका मेंटेनेंस मैं बोल देता हूँ। ये जो हार्ड एनोडाइज प्रेशर कुकर है ना, ये एल्युमिनियम से हेवी होता है, ये काफ़ी हेवी है, ये फ्यूचुरा मॉडल है, हॉकिंस की फ्यूचुरा मॉडल है, तो ये काफ़ी हेवी है। एंड इसका जो प्रॉब्लम जो है वो है, एल्युमिनियम से बना है, हेवी तो है, इसका दाम एल्युमिनियम से 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर अफोर्डेबिलिटी बोलिए तो एल्युमिनियम से स्टेनलेस स्टील एंड हार्ड एनोडाइज्ड कम अफोर्डेबल है, क्योंकि इसका दाम काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए लोग एल्युमिनियम से जाते हैं क्योंकि इसका दाम सस्ता है। कि अगर ये 800 रुपया में, ये 800 रुपया में आपको मिलता है तो ये मिलेगा 1600 और ये मिलेगा 2600 में, तो इसीलिए लोग पसंद करते हैं एल्युमिनियम। पर स्टेनलेस स्टील इज फूड सेफ, इसमें लीच नहीं करती है, एंड ये भी फूड सेफ है क्योंकि एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड का एक कोटिंग बन जाता है, ये परमानेंट है, इसका इसमें एल्युमिनियम लीच भी नहीं करती है, खाना बनाना भी आसान है, पर इसका मेंटेनेंस आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेटल स्पून इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेटल स्पून यूज़ करेंगे ना तो ये कोटिंग उड़ जाएगी एंड एल्युमिनियम निकल के आएगी, तो एल्युमिनियम का बॉडी निकल के आएगी, तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है। ये देखने में सुंदर है पर हर रोज़ बिजी किचन में यूज़ करने के लिए ये परफेक्ट प्रेशर कुकर नहीं है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एज़ पर माई सजेशन, आप लोग अगर हेल्थ बेनिफिट में जाते हैं तो गो फॉर स्टेनलेस स्टील, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एंड हार्ड एनोडाइज दोनों का दाम जो है ना लगभग सेम है, देन गो फॉर स्टेनलेस स्टील। लुक पे मत जाइए, क्योंकि ये हर रोज़ किचन पे यूज़ करने के लिए मेंटेनेंस जो आप करना चाहिए, आप लोग बिजी किचन में आप लोगों को नहीं हो पाएगा। दिखने में सुंदर है, आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं, पर क्या होगा अगर मेटेलिक स्पून या लैडल आप यूज़ करेंगे तो इसका कोटिंग उठ के आएगा एंड एल्युमिनियम निकल जाएगा, वो हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर एल्युमिनियम से आप लोग खाना बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग हेल्थ बेनिफिट थोड़ा सा सोच रहे हैं देन गो फॉर स्टेनलेस स्टील, नॉट हार्ड एनोडाइज। अगर लुकिंग पर जाइए तो देन गो फॉर, यू कैन गो फॉर हार्ड एनोडाइज, बट अगर आप लोग चाहिए तो हेल्थ बेनिफिट भी चाहिए, ईज ऑफ यूज चाहिए, एंड दाम भी अगर आप लोग थोड़ा सा देना चाहते हैं तो देन गो फॉर स्टेनलेस स्टील। दिस इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ प्रेशर कुकर यू कैन बाई एंड यूज फॉर योर डेली कुकिंग नीड। सो इसके साथ मैं ये रिव्यू आज ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे, होप ये आप लोगों को पसंद आएगा, एंड जब प्रेशर कुकर आप लोग खरीदने जाएंगे तब ये देख के आप लोग खरीदने जाए तो आप लोगों को पसंद आएगा। तो एल्युमिनियम है, अफोर्डेबिलिटी, दाम कम है, यूज़ करना बहुत आसान है, मेंटेनेंस भी आसान है। स्टेनलेस स्टील दाम ज़्यादा है पर हेल्थ बेनिफिट एल्युमिनियम से काफ़ी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है, आप लोग इजी से यूज़ कर सकते हैं, पर इसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है, बिजी किचन में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, ओनली लुक पर्पस। अगर हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से, तब यू कैन गो फॉर दैट, पर बिजी किचन के लिए ये हार्ड एनोडाइज मत खरीदे, ठीक है। तो गो फॉर स्टेनलेस स्टील, दिस इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ प्रेशर कुकर यू कैन यूज़। सो इसके साथ ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार।